हेलो स्टूडेंट्स, आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो है रॉकेट प्रोपल्शन। ये एक एप्लीकेशन है जो के प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड है। ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, ये आपको याद होगा कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जब फोर्स नहीं होगी तब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है, या जो हमारा सिस्टम का मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, वो कंजर्व्ड होगा। करेक्ट। तो मैंने कहा इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी एफ जो है वो हमारा जीरो होगा। करेक्ट। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू एफ, ये हमको न्यूटन के सेकेंड लॉ से पता है। अगर एफ जीरो है, इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑल्सो जीरो हुआ। इसका क्या मतलब हुआ, अगर कोई क्वांटिटी का चेंज इन मोमेंटम जीरो है, यानी डीपी बाय डीटी, तो हम ये बात जानते हैं कि किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन अगर जीरो है, इसका मतलब वो क्वांटिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। यानी जो पी है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी सिस्टम अगर हम ले रहे हैं और सिस्टम में ये हो रहा है कि हमारे दो पार्टिकल्स हैं जिनका मोमेंटम पी वन और पी टू है ना, तो सिस्टम में हम कहेंगे कि दोनों का मोमेंटम का जो सम है वो कांस्टेंट होगा। या आपने ऐसा पढ़ा होगा कि मोमेंटम कोलिजन के पहले, या जिसे हम इनिशियल मोमेंटम भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम यानी कोलिजन के बाद। तो ये हम जानते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, मतलब दो और दो से ज्यादा पार्टिकल के बीच में अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उनका मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस पर बेस्ड है रॉकेट प्रोपल्शन। ठीक है। तो अब ये क्या होता है, रॉकेट हम जानते हैं ना, आपने अक्सर देखा होगा रॉकेट में कि नीचे की तरफ से जो होती है वो गैसेस इजेक्ट आउट होती हैं, और जब नीचे की तरफ गैस इजेक्ट आउट होती है तो रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो ये हमारा एक सिस्टम है। आपने इसी में एक एग्जाम्पल या एप्लीकेशन पढ़ा होगा गन का। गन का क्या था कि जब गन और बुलेट टेबल पे रखे हैं तो वो एक सिस्टम है, और उस समय उसका मोमेंटम जीरो होता है, क्योंकि मोमेंटम इज मोशन को जो मेजर करती है वो क्वांटिटी होती है। तो जब वेलोसिटी नहीं है तो मोमेंटम नहीं होगा, है ना। मोमेंटम का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ऐसे ही रॉकेट की बात हो रही है। अगर आपके पास गैस से भरा हुआ, क्योंकि फ्यूल जो होता है वो गैस होता है ना, तो जो फ्यूल है वो गैस अगर उसमें है और वो बर्न नहीं हुई है, तो रॉकेट अगर गैस के साथ भरा हुआ है तो दैट इज अ सिस्टम। और अगर वो इजेक्ट आउट हुई, मतलब गैसेस बर्न हुई और नीचे की तरफ आई, तो रॉकेट किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है। तो आप इसमें पहले ये समझिए कि होता क्या है। फ्यूल विच इज बर्न इन द इग्निशन चैम्बर, एक चैम्बर होता है रॉकेट में जहां पे फ्यूल बर्न होता है। ठीक है। गैस जो होती है, जो फ्यूल बर्न होने से प्रोड्यूस्ड होगी, इट इज इजेक्टेड फ्रॉम द ओरिफाइस इन द रियर ऑफ द रॉकेट। रॉकेट के नीचे जो होता है वहां से वो गैसेस इजेक्ट आउट होंगी जब इसका फ्यूल बर्न होगा। ठीक है। एंड देन आफ्टर व्हाट विल हैपन, जैसे ही गैसेस नीचे की तरफ इजेक्ट हो रही हैं, एक थर्स्ट एक्ट करेगा रॉकेट पे। थर्स्ट का मतलब क्या जानते हैं हम, व्हाट इज थर्स्ट, थर्स्ट इज नथिंग बट फोर्स विच इज एक्टिंग, है ना, ये हम जानते हैं इस बात को। तो गैसेस का इजेक्शन कहाँ हुआ है, गैसेस जो हैं दे आर इजेक्टेड वेयर, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, आप ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड में, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है वो गैसेस इजेक्ट आउट हो रही हैं। तो ड्यू टू रिएक्शन, ओके, रिएक्शन व्हाट विल हैपन, रॉकेट विल स्टार्ट मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन या फॉरवर्ड डायरेक्शन कह सकते हैं। तो ये क्या लगा, न्यूटन का थर्ड लॉ लगा इसमें। थर्ड लॉ क्या कहता है न्यूटन का, कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। तो एक्शन क्या है, गैसेस आर इजेक्टिंग डाउनवर्ड इज माय एक्शन, और उसका रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ये है कि रॉकेट स्टार्ट मूविंग। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैसेस फ्रॉम द रॉकेट शुड बी कांस्टेंट, तभी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, तो हम क्या कहेंगे कि रेट ऑफ इजेक्शन, रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैसेस, दिस विल बी कांस्टेंट।
ठीक है, जितनी इजेक्ट हो रही है गैस वो कांस्टेंट है अगर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल आल्सो कांस्टेंट। का मतलब क्या हुआ कि आपको इजेक्शन ऑफ गैसेस को ऑलमोस्ट सेम वैल्यू मतलब कंटिन्यूस रखना है। बट क्या होगा जब कंटिन्यूसली गैस इजेक्ट आउट हो जा रही होंगी, तो क्या होना चाहिए, मास ऑफ रॉकेट भी डिक्रीज होना चाहिए, इजंट इट? क्यों डिक्रीज होना चाहिए? क्योंकि रॉकेट में फ्यूल है, गैसेस भरी हुई हैं, तब वो टोटल उसका मास है। अब गैस इजेक्ट आउट हो रही है तो डेफिनेटली रॉकेट का जो मास होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड इसके कारण इसकी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों इंक्रीज होंगे। यानी आप कहेंगे कि मास ऑफ रॉकेट विल डिक्रीज, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विल गो ऑन इंक्रीज। ठीक है, ये एक सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा, क्या कि रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस आपके कांस्टेंट है जिसके कारण मोमेंटम कांस्टेंट है, करेक्ट, और मास जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है जिसके कारण आपकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों इंक्रीज हो रहा है। अब मैं छोटा सा आपको डेरिवेशन करके बताती हूं। अब मैं आपसे कह रही हूं कि लेट इनिशियल मास जो है रॉकेट का वो कितना ले लीजिए आप, एम नॉट ले लीजिए, ये आपने इनिशियल मास लिया। तो जब आपने मास लिया तो गैस जो है इसके साथ है, रॉकेट में गैस है, अभी इजेक्शन नहीं हुआ है, तो रॉकेट विद गैस इज एम नॉट। अब मैं कह रही हूं कि आप बोलिए रेट ऑफ लॉस ऑफ मास ऑफ द रॉकेट, ठीक है, रेट ऑफ लॉस ऑफ मास ऑफ रॉकेट ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू कंटिन्यूस इजेक्शन ऑफ गैस। ये मास क्यों कम होगा, मास कम होगा ड्यू टू इजेक्शन ऑफ गैसेस, इसको मैंने कहा डेल एम बाय डेल टी, क्योंकि रेट निकाल, जब भी आप रेट ऑफ चेंज बोलते हैं आपको उस क्वांटिटी को किससे डिवाइड करना पड़ता है, टाइम से करना पड़ता है। तो आपने कहा कि डेल एम बाय डेल टी जो है वो रॉकेट के मास में क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। अब मैं कह रही हूं कि जो गैसेस इजेक्ट आउट हो रही हैं, गैसेस इजेक्टेड इनकी वेलोसिटी ले लीजिए विथ वेलोसिटी यू, ये गैस के इजेक्शन की वेलोसिटी वी है, सॉरी यू है, और इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट इज वी, इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इज वी। देखिए सारे टर्म को सबसे पहले क्लियर रखिए, एम नॉट गैसेस के साथ रॉकेट का मास है, जब डेल एम बाय डेल टी हुआ तो मास डिक्रीज होगा, गैस जिस स्पीड से इजेक्ट आउट हो रही है उसकी वेलोसिटी यू है, और मैंने कहा कि इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ रॉकेट जिसके कारण वो ऊपर जा रहा है दैट इज कैपिटल वी, एग्रीड? अब मैं बोल रही हूं कि स्मॉल टाइम डेल टी, ये एक इंटरवल लिया मैंने टाइम इंटरवल डेल टी, इस टाइम इंटरवल डेल टी में मान लीजिए डेल एम मास इजेक्ट आउट हो रहा है, कितना मास इजेक्ट हो रहा है, डेल एम मास ऑफ गैस इज इजेक्टेड आउट, और प्रोड्यूसिंग अ चेंज ऑफ डेल वी इन रॉकेट, डेल वी चेंज इन रॉकेट, ये चेंज इन वेलोसिटी किसमें है, रॉकेट में, ठीक है। देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो कहता है, जो हमको लगाना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, इसे जरूर लिखिएगा कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ रॉकेट, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ गैस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसी पर आपका रॉकेट का मेन डिपेंड करता है। आप ध्यान रखिएगा मैंने किसको क्या लिया है, यू को लिया है वेलोसिटी ऑफ गैस, यू जिसके साथ वेलोसिटी इजेक्ट आउट हो रही है, और मैंने कहा कि डेल एम उसका मास है, तो अगर मैं कहूं कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ गैस निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, मास इंटू वेलोसिटी, और मास इंटू वेलोसिटी का मतलब मास ऑफ द गैस इंटू वेलोसिटी ऑफ द गैस, करेक्ट। और रॉकेट का अगर मोमेंटम निकालना हो तो रॉकेट के लिए मैंने चेंज इन वेलोसिटी कितनी ली है, डेल वी ली है, और मास कितना लूंगी, मास लूंगी जो मास आपका इनिशियल से डिक्रीज हुआ है, तो कितना डिक्रीज हुआ है, एम नॉट से आपको इसको माइनस करना पड़ेगा,
करेक्ट। तो पहले हम मास ऑफ द रॉकेट एट एनी इंस्टेंट निकालेंगे। तो देखिए अब सबसे पहले मैं क्या बता रही हूं आपको कि मास क्या है, किसका मास निकालना है, मास ऑफ द रॉकेट एट एनी इंस्टेंट, मास ऑफ रॉकेट ये मुझे सबसे पहले निकालना है। तो मास ऑफ रॉकेट कितना निकाला आपने, दिस इज इनिशियल माइनस डेल एम बाय डेल टी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये आपको निकलेगा द चेंज इन द मास ऑफ रॉकेट। ठीक है, जिसमें डेल एम बाय डेल टी क्या था, ये था कि गैस का जो इजेक्शन हो रहा है, रेट ऑफ लॉस ऑफ मास ऑफ द रॉकेट था ड्यू टू द कंटिन्यूस इजेक्शन ऑफ गैसेस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब रॉकेट की वेलोसिटी हमने कितनी ली है, व्हाट इज द वेलोसिटी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट हमने कितनी ली है, डेल वी ली है। ठीक है, तो अब मोमेंटम निकालना हो अगर मुझे, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास ये है आपका एम नॉट माइनस डेल एम बाय डेल टी इंटू टी, मास है एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, इंटू ये वेलोसिटी है रॉकेट की। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा आपको कि गैसेस जो इजेक्ट आउट हो रही हैं, गैसेस इजेक्टेड आउट, उसका मास मैंने लिया था डेल एम और उसकी वेलोसिटी ली थी यू। करेक्ट, ये मैंने पहले कंसिडरेशन आपको बताया, तो गैसेस इजेक्ट आउट का क्या है, डेल एम है, एंड वेलोसिटी ऑफ गैस कितनी ली हुई है, यू ली हुई है। करेक्ट, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, इसका मोमेंटम होगा डेल एम इंटू यू। आई होप एग्रीड। तो ये मोमेंटम है रॉकेट का, ये मोमेंटम है गैस का, और कंजर्वेशन कहता है कि ये दोनों सेम होना चाहिए, यानी एम नॉट माइनस डेल एम बाय डेल टी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल एम इंटू यू। एग्रीड। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, दोनों तरफ नहीं, आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो मैं सबसे पहले डेल वी निकालती हूँ, तो डेल एम इंटू यू होल डिवाइड, ये एक ही टर्म है क्योंकि ये डिक्रीज इन मास है, इसलिए आप इसे अलग मत करिएगा। ओके, ये कंप्लीट एक ब्रैकेट में लिखिए। अब इस जो इक्वेशन है, इसमें डेल वी को मैं दोनों तरफ किससे डिवाइड करूंगी, चेंज इन टाइम से, क्योंकि ये मैंने इंस्टेंट टाइम के लिए था, तो यहां पे भी मैंने डेल टी से डिवाइड कर दिया, और ये पूरी क्वांटिटी को अगर मैं करती हूं तो इसको भी मैं किससे कर दूंगी, डेल टी से डिवाइड कर दूंगी, ये एक टर्म बन जाएगा मेरा और दूसरा टर्म ये बन जाएगा। ठीक है, एज आई ऑलरेडी सेड, ये पूरा टर्म एक है, तो आपने क्या किया, दोनों तरफ डेल्टी डेल्टी से इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो मुझे एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट मिल जाएगा डेल एम बाय डेल्टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ द इजेक्शन ऑफ गैसेस इंटू वेलोसिटी ऑफ द गैस अपॉन द डिक्रीज इन द मास ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। दिस इज द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। ठीक है, अब फॉर द लार्जर एक्सेलरेशन हमको एकदम क्लियर है कि डेल एम बाय डेल टी के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फॉर लार्जर एक्सेलरेशन रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैसेस शुड बी हाई, या रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल शुड बी हाई, बर्निंग ऑफ गैसेस ज्यादा होना चाहिए, अपने आप एक्सेलरेशन रॉकेट का तेज हो जाएगा। ठीक है, या फिर वेलोसिटी ऑफ गैस शुड बी लार्ज, यानी गैसेस शुड कम आउट ऑफ द रॉकेट विद मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी। अगर यू आपको कंसिडर करना है तो यू ज्यादा कंसिडर करेंगे, जिसके साथ इजेक्शन ऑफ गैसेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो रॉकेट जो है वो अपवर्ड में होगा। करेक्ट, तो आई होप एक्सेलरेशन तक आपको क्लियर होगा हुआ होगा रॉकेट में, और ये इक्वेशंस बहुत सिंपल है, बस कंसिडरेशन आपको याद रखना है। अब मैं आपको बता रही हूं कि हाउ यू कैन कैलकुलेट द थर्स्ट ऑन रॉकेट। ये भी क्वेश्चन आता है कि एक्सेलरेशन के बाद थर्स्ट ऑन रॉकेट निकालिए, कि रॉकेट पर कितना थर्स्ट पड़ा है ना, यानी अपवर्ड फोर्स कितनी आई। इसके लिए मैंने पहले आपको बता रखा है कि मास ऑफ रॉकेट क्या है, क्या है मास ऑफ रॉकेट, एम नॉट माइनस डेल एम बाय डेल टी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, इसको याद रखिएगा। एक्सेलरेशन हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिख सकते हैं।
करेक्ट, ये हम अभी से जान रहे हैं। तो हमें थर्स निकालना है, यानी हमें फोर्स निकालना है, और फोर्स का एक ही फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एम ए, है ना। तो एम का मैंने फॉर्मूला लिख दिया, अगर मुझे थर्स निकालना है रॉकेट पर या फोर्स निकालनी है, तो एम नॉट माइनस डेल एम बाय डेल टी इंटू टी, ये मास हो गया, इंटू डेल वी बाय डेल टी हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, करेक्ट। अब मैं इस इक्वेशन में मास को जो है वो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से लूंगी। अभी एक्सेलरेशन मैंने आपको क्या बताया था, डेल एम बाय डेल टी बताया था, करेक्ट, इंटू इसके साथ बताया था वेलोसिटी, होल डिवाइडेड बाय एम नॉट माइनस डेल एम बाय डेल टी इंटू टी, है ना। तो अब मैं इसी इक्वेशन से आपको अगर मैं लिखना चाहूं, तो ये वाला जो टर्म है, यानी ये जो डिनोमिनेटर टर्म है, उसे मैं यहां ले जाती हूँ, एक्सेलरेशन को नीचे ले आती हूँ, तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा, डेल एम बाय डेल टी एंड दिस विल बी इंटू यू बाय ए, एग्रीड, क्योंकि ये टर्म मैं यहां कर दिया, मतलब मैंने मास को एक्सेलरेशन के फॉर्म में लिख दिया। आई होप क्लियर हुआ होगा, कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं किया है। इसी को मैं यहां पुट अप कर दूंगी, तो जो थर्स्ट आएगा वो कितना आएगा, डेल एम बाय डेल टी इंटू यू इंटू वन बाय ए इंटू डेल वी बाय डेल टी। ये डेल वी बाय डेल टी ऑलरेडी था हमारे पास, देखिए ये वाला टर्म है, ये डेल वी बाय डेल टी, मैंने सिर्फ ये मास वाले टर्म को रिप्लेस किया है जो एक्सेलरेशन निकाला है उससे, तो ये भी एक्सेलरेशन है और डेल वी बाय डेल टी भी एक्सेलरेशन है, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको जो थर्स्ट ऑन रॉकेट मिलेगा वो कितना मिलेगा, डेल एम बाय डेल टी इंटू यू, यानी रेट ऑफ लॉस ऑफ मास ऑफ द गैस, है ना, रेट ऑफ लॉस ऑफ मास ऑफ द गैस इंटू वेलोसिटी ऑफ द इजेक्शन ऑफ गैस। ये यू क्या थी, वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस थी, इसे कहते हैं कि दैट इज थर्स्ट ऑन द रॉकेट। सो दिस मच यू हैव टू स्टडी इन द रॉकेट प्रपल्शन। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा डेरिवेशन। थैंक यू।